कोरोना संकट के काल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो रही है। लालू प्रसाद पर हमला करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि अगर लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूटकर बाहर आए तो एनडीए की जीत की राह आसान हो जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर छूट जाते हैं तो एनडीए के लिए 3/4 बहुमत पाकर 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम दोहराना आसान होगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर थे और उनकी राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा चुनाव में मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी और नेता प्रतिपक्ष का पद पाने की भी हैसियत आरजेडी की नहीं रही थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यदि जनता के बीच रहते हैं तो उनके 15 साल के भयावह शासनकाल की याद दिलाने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू राज की याद दिलाते हुए ट्वीट कर 1990 और 2004 तक आरजेडी के शासनकाल के उस दौर में जिस तरह से सड़कें जर्जर हुई, शहर गांव अंधेरे में डूबे थे, हत्या अपहरण नरसंहार की घटनाओं के कारण लोगों का जीना दुर्लभ हो गया था और लाखों लोगों को महज 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन करना पड़ा था, उसकी याद ताज़ा करने में लालू प्रसाद से बड़ा स्टार प्रचारक कौन हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ बयान आया है सुशील कुमार मोदी का, लालू प्रसाद यादव के चुनाव से पहले जेल से बाहर आने को लेकर। तो देखते हैं कि और आगे क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।